चैप्टर 7 ब्रेन टीजर क्वेश्चन नंबर 12 सिंपलीफाई करना है हमें. गिवन है क्वेश्चन 2.2 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 0.3 0.3 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 0.3. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो पहले हमें ये देखना है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है. फर्स्ट में हम इसे लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 इट मीन्स 2.3 का होल स्क्वायर माइनस 0.3 दो बार लिखा है तो इसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं. नीचे 2.3 का स्क्वायर, फिर हमारे पास 0.3 दो बार टू टाइम्स मल्टीप्लाई है तो हमने इसको लिख दिया 0.3 का स्क्वायर माइनस 2.3 मल्टीप्लाई 0.3. अब हम इधर देखेंगे कि किसकी आइडेंटिटी बन रही है. पहले हमारी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर तो ए प्लस बी ए माइनस बी. नीचे डिनोमीटर में देखेंगे हम हमारे पास आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इसको हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर पुट कर सकते हैं. अब हमारे पास ए और बी हैं 2.3 और 0.3. तो ऊपर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी. हमने इसको देखा ए प्लस बी यानी कि 2.3 प्लस 0.3 दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी 2.3 माइनस 0.3. और नीचे ही हमारी आइडेंटिटी बनी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ए है हमारे पास 2.3 और बी है हमारे पास 0.3. तो हमने लिखा 2.3 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू ऊपर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 2.6 मल्टीप्लाई. इसमें से जब ये माइनस करेंगे हमारे पास आएगा ओनली 2 अपॉन 2.3 में से 0.3 माइनस करा 2 का स्क्वायर कर दिया. अभी हमने होली का सब्ट्रैक्ट करके इसका फिर हमें करना है स्क्वायर. तो 2.6 मल्टीप्लाई 2 अकाउंट में 2 का स्क्वायर हो गया 4. इसे 2 से डिवाइड किया 2 बन जाए 2 हो जाए 4. 2.6 अकाउंट 2 दिस इज इक्वल टू 1.3. थर्टीन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. इफ 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड xy इज इक्वल टू माइनस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर. हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले जो हमें गिवन है वो टर्म्स हमने लिखी 3x माइनस 4y दिस इज इक्वल टू 10 और xy का प्रोडक्ट हमें गिवन है माइनस 1 और हमें 9x स्क्वायर माइनस प्लस 16y स्क्वायर ये हमें फाइंड करना है. तो हमने सबसे पहले 3x माइनस 4y इक्वल टू 10 जो गिवन है उसका स्क्वायर है होल स्क्वायरिंग बोथ साइड. हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया हमें मिला 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर और RHS में आया हमारे पास 10 का स्क्वायर. अब हमने a माइनस b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाई. a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab
तो अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी ए हो गया हमारे पास 3x, 3x का होल स्क्वायर प्लस बी है हमारे पास 4y, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 3x मल्टीप्लाई 4y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 100। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या 16, y स्क्वायर माइनस 2 3 6 6 4 जो 24, x y इज इक्वल टू 100। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर माइनस 24, माइनस 24 और एक्स वाई का आपस में प्रोडक्ट है और एक्स वाई की वैल्यू हमें माइनस 1 गिवन है, तो हमने माइनस 24 की मल्टीप्लाई करी माइनस 1 से, यानी एक्स वाई की जगह हमने माइनस 1 मल्टीप्लीकेशन में पुट कर दिया। आप सीधा माइनस 1 नहीं लिखेंगे, 24 माइनस 1 नहीं है, 24 मल्टीप्लाई माइनस 1 है, क्योंकि एक्स वाई और 24 का आपस में प्रोडक्ट है। दिस इज इक्वल टू 100। हमारे पास आया 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, अब हमने माइनस 24 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा प्लस 24 बन गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 100। अब इसका लास्ट स्टेप, जब हमें 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, दिस इज इक्वल टू 100 और 24 LHS से RHS में आके माइनस 24 हो जाएगा, 100 में से 24 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 76। तो ये हमारी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर की वैल्यू बन गई। फोर्टीन क्वेश्चन, इफ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, xy इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें जिस चीज की वैल्यू गिवन है हमने वो ले लिया, सबसे पहले 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 और xy का प्रोडक्ट हमें 2 गिवन। हम याद रखेंगे कि हमें 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने दोनों साइड का स्क्वायर किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स we get 5x minus 2y का होल स्क्वायर is equal to 7 का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर सेकंड आइडेंटिटी यूज होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमने इसी आइडेंटिटी पुट करी तो हमें मिला 5x होल स्क्वायर प्लस 2y होल स्क्वायर माइनस 2 a 5x b 2y इक्वल टू में 7 के स्क्वायर मिला हमें 49। अब हमने दोनों टर्म्स के स्क्वायर किए, 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 25 10 10 टू 20 x y इक्वल टू 49। आगे देखते हैं, 25 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 20 एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो हमने प्रोडक्ट में 20 के साथ किया 2 की मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 49। 25 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 49 और लास्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगी 25 x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू, हम 49 माइनस 40 को LHS से RHS में लेंगे प्लस 40 हो गया और इसकी वैल्यू हमारे पास निकल के आई 89। इस तरह से हमने 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू निकाली 89। अब हम जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर, इसे लिखते हैं आगे इसकी आइडेंटिटी, 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर। अभी हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी यूज होगी, इसमें प्लस है क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको इक्वल टू लिख सकते हैं 25, सीधा नहीं लिख सकते, पहले मैं एक का ही स्क्वायर आपको करके दिखाता हूँ,
फाइव एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू मल्टीप्लाई फाइव एक्स मल्टीप्लाई टू वाई। आगे 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 10 10 टू 20xy, यानी कि हमारा केवल x 5x माइनस 2y और 5x प्लस 2y में केवल प्लस 2ab और माइनस 2ab का फर्क है। आगे की a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारा सेम है, तो हमने जो पहले 5x माइनस 2y के का होल स्क्वायर करके जो 25x स्क्वायर प्लस 4y की जो y स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली थी 89, वो अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। हमने लिखा इसकी जगह 89 प्लस 20 और एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है 2, और वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एक्स वाई की जगह। तो अब हमें मिला आगे यहाँ पे प्लस है 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 89 प्लस 40 और ये इक्वल टू हो जाएगा 129। 15th क्वेश्चन गिवन है हमें, इफ a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 17 बाय 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 1 अपॉन a। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हमने बोल दिया a प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 17 बाय 4 ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट a प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर इक्वल टू 17 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर हमारी ये आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि बीच में प्लस है दोनों टर्म्स की, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें हमने अपनी आइडेंटिटी पुट करी a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई 1 अपॉन a इक्वल टू 17 का स्क्वायर आया 289, 4 का स्क्वायर 16। आगे सॉल्व करते हैं इसे, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a से a कैंसिल हो जाएगा हमारे पास नीचे इज इक्वल टू 289 अपॉन 16। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 को LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब 289 अपॉन 16 माइनस 2, इसे लिया हमने a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, LCM हमारे पास 16 आया, 16 को जो LCM आता है उसे डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 16 को 16 से डिवाइड किया 1 के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 289 माइनस 16 को 1 से डिवाइड किया 16 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 16 टू जो 32, तो ये हमें मिला 752 अपॉन 16। इससे हमने a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करी 257 अपॉन 16। अब हमें फाइंड करनी है a माइनस 1 अपॉन a की, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है हमने वो लिखा a माइनस 1 अपॉन a, इसका हमने स्क्वायर किया इसकी वैल्यू निकालती है, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमने पहले इसका स्क्वायर कर दिया, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है तो उसमें हमारी सेकेंड आइडेंटिटी यूज हुई है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस आइडेंटिटी को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी हमने लगाई इसमें, तो हमें मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab, इससे हम ये वाला ए कैंसिल कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जो हमने वैल्यू फाइंड करी थी ये हमने पुट कर दी 257 अपॉन
16 माइनस 2 a से a कट गया, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में मिला LHS, हमने ऐसे ही रहने दिया, 16 LCM आया, 257 माइनस 16 टू जन, डिनोमेटर में कुछ नहीं है तो हम ऊपर सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 टू जन 32, अब 257 में से 32 हमने माइनस किया, तो हमें मिला 15 का स्क्वायर होता है और 16 4 का, तो हम इसे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं। हमने इसको लिखा 15 अपॉन 4 का होल स्क्वायर। अब LHS RHS दोनों में स्क्वायर है, तो स्क्वायर से दोनों के स्क्वायर हमने कैंसिल कर दिए, हमारे पास आई a माइनस 1 अपॉन a की वैल्यू 15 बाय 4।